हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे जिन भी लोगों ने 4 कमेंट सबसे पहले करे हैं उनको मिल गया है 250 रुपए का पेटीएम कैश। इस बार 4 प्लेयर्स को मिलेगा, 4 यूजर्स को मिलेगा 250 रुपए का पेटीएम कैश जिन्होंने सबसे पहले इस वीडियो पे कमेंट किया होगा। क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था ये वीडियो जो है 7:45 पे आएगा और 7:45 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हर रोज 7:45 पे शाम को और 7:45 पे सुबह वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो फिक्स टाइमिंग पे वीडियो अपलोड होगा तो फेयर चांस होगा सबके लिए। यानी आपको पहले से पता है कि 7:45 पे फैंटेसी एक्सप्रेस का वीडियो आएगा। फैन टू प्ले पर आईपीएल लीडर बोर्ड खेलो और जीतो T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की टिकट्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस आईपीएल फैन टू प्ले पर टीम बनाओ और वर्ल्ड कप जाओ, और उसमें आपको गिव अवे भी मिलेगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो लगातार देखते रहिए वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आईपीएल के मैच में क्या होने वाला है, वार्नर आ गए कि नहीं आए, स्टोइनिस की क्या पोजीशन है, एनरिच नॉर्डे के बारे में बताऊंगा, काफी अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे पिक करने के लिए। अगर हम बात करें इस मैच की तो दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में ये मुकाबला है और ये है 15th मैच आईपीएल का। अगर बात करें वेन्यू की तो डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। डेट और टाइम की बात करें तो 7th अप्रैल 7:30 PM से ये मैच स्टार्ट होगा। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए इस वेन्यू पे रन्स ठीक ठाक बन जाते हैं, हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा पिछले 2-3 मैचेस जो यहाँ पे हुए उसमें आखिर हुआ क्या है, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले फैंटेसी टिप्स देख लेते हैं दोनों टीमों ने जो मैचेस खेले। जैसे आपको पता है दिल्ली की टीम अभी जो है वो काफ़ी मैचेस खेल चुकी है और अपोजिशन टीम ने भी काफ़ी मैचेस खेल लिए, तो कुछ प्लेयर्स निकल के आए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस कुछ अच्छी दी है। जैसे कि जेसन होल्डर लास्ट मैच में ही आए और 100% ड्रीम टीम का हिस्सा हुआ, क्योंकि बॉलिंग में काफ़ी विकेट ये ले गए थे, आई थिंक 3-4 विकेट ये लेके गए थे और 3 विकेट के आसपास, और प्लस रन्स भी कुछ बनाए थे। इसके अलावा देखिए एवन लेविस भी 38 प्रति मैच के हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पृथ्वी शो 40 प्रति मैच के हिसाब से, और बडोनी भी ने भी 47 पॉइंट्स पर मैच का परफॉर्मेंस दिया है। तो मोस्टली आप देखिए बडोनी ने काफी अच्छा किया टीम के लिए, यहाँ पे हुडा ने भी काफी अच्छा करा है और होल्डर ने भी काफी अच्छा करा है। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे खलील अहमद और कुलदीप यादव ने भी टीम के लिए काफी अच्छा करा है, 100% ड्रीम टीम का ये लोग भी हिस्सा रहे हैं। नीचे अगर हम बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन से तो लोकेश राहुल ने कंटिन्यूसली टीम के लिए काफी अच्छा किया, इसलिए इनका पॉइंट्स पर मैच भी काफी हाई है और ड्रीम टीम में सिलेक्शन परसेंटेज भी काफी ज्यादा हाई है। ड्रीम टीम परसेंटेज क्या होता है, जब टीमें आपस में खेलती हैं, मान लीजिए दो टीमें खेल रही तो एक टीम के 11 प्लेयर दूसरी टीम के 11 प्लेयर, टोटल हो गए 22 प्लेयर। अब उन 22 प्लेयर में से जो टॉप 11 प्लेयर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्रीम टीम प्लेयर। तो ये ड्रीम टीम में देखिए 3 में से 2 बार रहे लोकेश राहुल, यानी 2 बार इनकी परफॉर्मेंस टॉप 11 में रही है, एक बार परफॉर्मेंस टॉप 11 में नहीं रही होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टीम हिस्ट्री की। देखिए आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 206 मैचेस खेले, 95 जीते, 46% का इनका विनिंग परसेंटेज बनता है। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो देखिए इसी साल टीम बनी है, 3 मैचेस खेले 2 जीती, तो इनका 50% से ऊपर का जो है वो सक्सेस रेट बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेयर बैटल की। प्लेयर बैटल में आपको देखने को मिलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मुकाबले चल रहे, तो उसमें कौन से प्लेयर्स किसको परेशान करते हैं दोनों टीमों में जो प्लेयर्स हैं उसमें आप अगर आप देखें तो यहां पे अक्षर पटेल मनीष पांडे का विकेट ले जाते हैं, काफी कम रन बनाने दिए, 67 बॉल्स पे 43 रन है और 2 बार अक्षर पटेल ने मनीष पांडे की विकेट ली हुई है। क्विंटन डिकॉक को अगर हम देखें अक्षर पटेल के खिलाफ तो देखिए 47 बॉल्स में 75 रन दिए और सिर्फ 1 बार विकेट ले पाए, यानी क्विंटन डिकॉक अक्षर पटेल को काफी अच्छा खेल लेते हैं। शार्दुल ठाकुर मनीष पांडे का 2 बार विकेट ले जा चुके हैं, तो शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं मनीष पांडे के सामने थ्रेट होंगे ही होंगे। इसके बाद देखिए केएल राहुल ने शार्दुल ठाकुर को बहुत अच्छा खेला है, यहां पे देख सकते हैं 28 बॉल में 54 रन है और 1 ही बार विकेट दिया, तकरीबन 180 स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला इनको, ठीक है। यहां पे खलील अहमद ने केएल राहुल का 1 बार विकेट निकाला हुआ है, ठाकुर ने डिकॉक का 1 बार विकेट निकाला है, मुस्तफिजुर रहमान ने मनीष पांडे का निकाला है और सकारिया ने केएल राहुल का, बट काफी पिटाई खाने के बाद। और इसके अलावा कुलदीप ने मनीष पांडे का भी 1 बार विकेट लिया है। तो ये कुछ प्लेयर बैटल है जो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर बैटल के हिसाब से मैच में हमें वो पिक्चर समझ में आती है कि क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स और एलएसजी के बॉलर्स के बारे में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुणाल पंड्या ऋषभ पंत को थोड़ा परेशान करते हैं, हालांकि ऋषभ पंत ने अच्छे खासे रन्स बना रखे बट 30 बॉल में 3 बार विकेट भी दी है, यानी कुणाल पंड्या अगर कंटिन्यूस बॉलिंग कराएंगे ऋषभ पंत के खिलाफ तो पंत रन्स तो देखिए थोड़े से बना लेंगे, बट दिक्कत यह है कि विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हो जाते हैं ऋषभ पंत के सामने, पंत इनको हिट करने की कोशिश करते और आउट हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 27 गेंदों में 28 रन होल्डर ने वार्नर को दिए, 1 बार विकेट लिया, बिश्नोई ने भी पंत के
खिलाफ देखिए 23 में 24 एक बार विकेट लिया, और कुणाल पांड्या ने एम सिंह के खिलाफ तो दो बार विकेट ली हुई है। इसके अलावा देख सकते हैं टाई ने पटेल की एक बार विकेट लिया, टाई ने एम सिंह की एक बार विकेट लिया, और होल्डर ने पॉवेल की एक बार विकेट लिया। तो ये कुछ स्टैट्स है जो आपको देख लेने चाहिए मैच खेलने से पहले। इसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की, तो इसमें आप पाएंगे T20 डोमेस्टिक में इस वेन्यू पे क्या हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग 143 के आसपास की होती है, मोस्टली चेजेस में टीमों ने जीता हुआ है, और हाईएस्ट स्कोरिंग वगैरह जो पिछले सीजन्स रही थी वो 187 के आसपास निकली थी। स्कोरिंग मैक्सिमम यहाँ पे 150 डाउन होती थी, बट इस साल कुछ और कंडीशन है। इस साल की क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए, देखिए लास्ट मैच में 169 के आसपास की स्कोरिंग हुई, उसके पहले राजस्थान रॉयल्स की 193 के आसपास की स्कोरिंग इस साल हुई, और इसके अलावा 128 की इस साल स्कोरिंग हुई, और प्लस 208 की भी इस साल स्कोरिंग हुई। इस साल इस वेन्यू पे चार मैचेस खेले गए, पहला मैच 200 प्लस गया था, उसके बाद वाला मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग था, फिर 190 गया मैच, फिर देखिए यहां पे 169 गया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बैटर्स को हेल्प मिली है चार में से तीन मैचेस में। तो हम एक्सपेक्टेशन 170 के आसपास की आराम से इस वेन्यू पे कर सकते हैं, यानी बैटर्स को एडवांटेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर्स की जो इस वेन्यू पे बने हैं। इस वेन्यू पे इसी साल देखिए काफी रिकॉर्ड टूटे हैं, 205, 193, ये कुछ हाईएस्ट टोटल इस साल बन गए इस वेन्यू पे। इसके अलावा चेजेस में बात करें तो पीबीकेएस का 208 यहां पे चेज हाईएस्ट हुआ है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, आगे हम देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल में क्या स्थिति है दोनों टीमों की। एलएसजी ने 3 मैचेस खेल के 2 को जीता, और दिल्ली कैपिटल्स ने 2 मैच खेल के 1 को जीता है। तो परफॉर्मेंस रिसेंटली इनके ये हैं, किन टीमों के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस रहा इन टीमों का वो भी यहां पे मेंशन है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। तो इसमें केएल राहुल ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ, फिर नंबर 3 पे एविन लेविस या फिर मनीष पांडे भी बैटिंग करने आ सकते हैं, उसके बाद दीपक हुड्डा है, आयुष बदोनी है, और कुणाल पांड्या है। तो ये कुछ प्लेयर्स रहेंगे टॉप ऑर्डर के इस टीम के, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर मुझे पिक करने हो तो सबसे पहले मैं पिक करूंगा केएल राहुल को। इंडियन कंडीशन है और इंडियन प्लेयर्स की लिस्ट में अगर आप देखें तो केएल राहुल का आईपीएल में इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। क्विंटन डिकॉक देखिए इंडिया में हमेशा अच्छा नहीं करते, रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप इनका देखें तो T20 में भी थोड़ा सा स्ट्रगल ये करते हैं, और सामने वाली टीम के राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स इनको काफी परेशान करते हैं। पिछले मैच में सुंदर भी इनका विकेट लेके गए थे, तो इस मैच में भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा जो डिकॉक के सामने थोड़े से डेडली साबित हो सकते हैं। बट केएल राहुल आई थिंक अच्छा खेलेंगे, लास्ट मैच में भी एंकर करके 68 लगाया, बहुत आराम से खेले थे और रन भी काफी बना दिए थे। यहां पे एविन लेविस भी काफी धमाकेदार प्लेयर है, हालांकि पिछले मैच में 1 रन पे आउट हो गए, बट अगर आप इनका हेड टू हेड देखें तो आखिरी 2 मैचेस से काफी अच्छा कर रहे हैं अपोजिशन टीम के खिलाफ। साथ ही साथ केएल राहुल ने भी आखिरी 3 मैचेस में एक बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। डिकॉक का हालांकि हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, मनीष पांडे का फॉर्म उतना खास चल नहीं रहा है, और अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। दीपक हुड्डा ने काफी इंप्रेस किया है, आखिरी 3 मैचेस में देखिए 2 बार स्कोरिंग 50 प्लस इनकी गई है, प्लस कभी कभी थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। ये आपके लिए एक्स फैक्टर टाइप प्लेयर है, अगर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है, अगर कोई बड़ा प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है, तो चांसेस होते हैं कि दीपक हुड्डा बैट अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफी रहती है, ओवर्स काफी बच जाते हैं, तो आप इनको ले भी सकते हैं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। बडोनी आपके लिए देखिए प्रॉपर ग्रैंड लीग प्लेयर है, क्योंकि काफी लेट बैटिंग करने आते हैं, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि लोकेश राहुल, क्विंटन डिकॉक, लेविस तीनों के तीनों आउट हो जाएंगे। ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग बोले तो मैं केएल राहुल को सबसे ऊपर रैंक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद कुणाल पांड्या आते हैं जो अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, उतने विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर नहीं है, बट ऋषभ पंत को थोड़ा सा परेशान करते हैं और लगभग 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग करेंगे, तो इनको बॉलिंग के बेसिस पे आप चाहे तो ले सकते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट जरूर निकाली, बट अगर आप इसके पहले देखें तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट कुणाल पांड्या पाए गए हैं, हेड टू हेड भी इनका इतना खास नहीं है, बैटिंग आने का चांस भी बहुत ज्यादा लेस रहता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जेसन होल्डर, एंड्रू टाई, रवि बिश्नोई और आवेश खान, जिसमें आवेश खान प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, बट इनके साथ एंड्रू टाई और जेसन होल्डर दोनों गेंदबाजी करते हैं। तो यहां पे देखिए होल्डर की इंपॉर्टेंस काफी है, क्योंकि बैटिंग में अच्छा खासा कर सकते हैं, पिछले मैच में भी देखिए 3 विकेट लेके गए, काफी अच्छी इनकी हाइट वगैरह है, तो उससे भी काफी परेशान करते हैं बल्लेबाजों को, ठीक है, बाउंसर्स वगैरह अच्छी देते हैं। तो ये 3 विकेट जो लेके गए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पहले से हमें प्रिडिक्टेड था, क्योंकि आप देखिए पैटर्न देखिए इस प्लेयर का, ये पहले से अच्छा खेल के आ रहा है, अब इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी 3-3, 5-5 विकेट ये लेके गया था, तो वो चीज हमने नोटिस करी थी, उसके बाद हमने इनको टीम में रखा। इवन कप्तानी वाइज कप्तानी की आपको ऑप्शन टेलीग्राम पे हमने जेसन होल्डर की दी थी, हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, बट ये प्लेयर हमेशा अच्छा करेगा, इसको आप इवन कप्तान वाइज कप्तान भी बना सकते हैं। एंड्रू टाई फर्स्ट बॉलिंग के केस में इंपॉर्टेंट होते हैं, सेकंड बॉलिंग में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट डेथ ओवर्स में 1-2 ओवर इनको मिल जाते हैं। फिर आते हैं रवि बिश्नोई, कोई खास परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में नहीं चल रही, हर दूसरे मैच में विकेटलेस जा रहे हैं, हालांकि इकोनॉमिकल होते बट विकेटलेस जा रहे हैं, अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। आवेश खान ने काफी इंप्रेस किया है, पिछले 7-8 मैचेस देखेंगे तो लगभग मोस्ट ऑफ द मैचेस में विकेटें निकाली हैं, और इस टाइम पे अपनी टीम के आई थिंक लीडिंग विकेट टेकर भी बने हुए, लास्ट मैच में 4 विकेटें निकाली, उसके पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो फॉर्म बहुत शानदार है, ये बिल्कुल मस्ट हैव है, इसको
और इसको तो आपको टीम में लेना है, आवेश खान होल्डर को सबसे पहले टीम में आपको पिक करना है, फिर एंड्रू टाई पे जाइए, फिर बाकी बोलर्स को देखिए। बेंच स्ट्रेंथ में बात करें तो उनके पास मार्कस स्टोइनिस है जो अब देखिए खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन रूल्स के हिसाब से। 7 अप्रैल से सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अवेलेबल हो जाएंगे खेलने के लिए, सो अब देखना पड़ेगा ये अपनी टीम में जगह कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर स्टोइनिस को खिलाना है तो किसी एक फॉरेन प्लेयर को बिठाना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल टाई को बिठा सकते हैं, या फिर क्या ऑप्शन है इनके पास, इनके पास लेविस का ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक का ऑप्शन है, तो आई थिंक इनको तो नहीं टीम हटाएगी, दोनों ही काफी अच्छा खेल रहे, और इवन टाई को भी नहीं हटाएगी, होल्डर तो हटाने का सवाल ही नहीं बनता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाई बाहर जा सकते हैं, उस केस में स्टोइनिस आएंगे, और स्टोइनिस आएंगे तो फिर कुछ एक दो ओवर बॉलिंग भी करेंगे, ठीक है। बाकी आप बेंच स्ट्रेंथ यहां से देख सकते हैं, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इनकी बेंच में अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, जिसमें आपको पृथ्वी शॉ ओपन करते हुए देखेंगे डेविड वार्नर के साथ। वार्नर की हाई चांसेस मैच में खेलने के वार्नर प्रैक्टिस करते हुए देखे गए। डेविड वार्नर लेफ्टी बैट्समैन, पृथ्वी शॉ राइटी बैट्समैन, 24 का एवरेज पृथ्वी शॉ का है और 37 का एवरेज डेविड वार्नर का है। मिस्टर कंसिस्टेंट भी माने जाते हैं आईपीएल में, रिसेंट टाइम में टी20 में देखिए बहुत अच्छा करके आए हुए हैं, आखिरी 3 के 3 मैच में 50 प्लस की स्कोरिंग है। वहीं पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस भी ठीक है बट बहुत अच्छा नहीं है, डेविड वार्नर के मुकाबले पृथ्वी शॉ एवरेज पिक होंगे। बट इस टीम से अगर हम बात करें तो ज्यादा प्लेयर्स आपके पास पिक करने के लिए रहेंगे नहीं, एक तो आपको डेविड वार्नर को लेना चाहिए, एक पृथ्वी शॉ को लेना चाहिए, एक ऋषभ पंत को लेना चाहिए, यही 3 से मुझे मैक्सिमम रन्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी। मनदीप सिंह से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, साथ ही साथ ललित यादव वगैरह ये हिटर टाइप प्लेयर है, कभी अच्छा बड़ा स्कोर भी कर देंगे, कभी बहुत जल्दी भी आउट हो जाएंगे। रॉबिन पॉवेल एक मिड ऑर्डर में काफी बढ़िया वेस्ट इंडियन प्लेयर है जो अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, बट थोड़ा सा लेट हो जाता है नंबर 5 पे हम किसी को बैटिंग दें, नंबर 5 नहीं इवन नंबर 6 पे ये बैटिंग कर रहे हैं, तो ये पोजीशन अच्छा नहीं है। फिर 7 पे अक्षर पटेल आएंगे, थोड़ी बहुत बैटिंग से आपको पॉइंट दे सकते हैं और लगभग 4 ओवर ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के डालेंगे और एवरेज सी बॉलिंग है बट कभी कभी अच्छे खासे विकेट ले जाते हैं और इवन कभी कभी रन्स भी काफी बना देते हैं, तो एवरेज पिक होंगे, आपको इनको लेना चाहिए, थोड़े सेफर पिक होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है क्योंकि रिसेंट टाइम में देखिए मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये भी विकेटलेस गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, जिसमें आपको शार्दुल ठाकुर, कुलदीप खलील और मुस्तफिजुर रहमान मिलेंगे। शार्दुल ठाकुर पिछले 2 मैचेस से विकेटलेस गए हैं, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर रहे हैं बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा इनको ले लीजिएगा, क्योंकि एक तो 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में कुछ ओवर पड़ते हैं और बैटिंग में हमेशा चांस होता है रन्स बनाने का, कई बार इन्होंने 30-40 तक स्कोरिंग कर रखी है टी20s में, सो ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। कुलदीप यादव पे मुत्ता भी ट्रस्ट फिर भी नहीं कर पा रहा हूं, हालांकि 2 मैचेस से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर खलील अहमद ने भी लास्ट 2 मैचेस से बहुत शानदार बॉलिंग कर रखी है, लेफ्ट आर्म पेसर, और मुस्तफिजुर रहमान ने भी काफी बढ़िया बॉलिंग करी, लास्ट मैच में इवन 3 विकेट भी इन्होंने निकाले। डेथ ओवर्स में मुस्तफिजुर रहमान और शार्दुल ठाकुर को आप देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली डेथ ओवर्स में। बेंच स्ट्रेंथ में बात करते हैं, इनके पास बेंच स्ट्रेंथ में टिम सीफर्ट होंगे, एंडिश नॉर्जे, कमलेश नागरकोटी, सरफराज खान होंगे। देखिए नॉर्जे का भी काफी चांस है, टी20s में ये बहुत अच्छा करते हैं, आपने आईपीएल में तो देखा ही है, इवन फर्स्ट बॉलिंग में कई बार हमने इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाया है, तो एंडिश नॉर्जे इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर खेलते हैं तो आपको लेने चाहिए। थोड़ा सा फिटनेस का इशू है, फिटनेस टेस्ट वगैरह होगा, अगर पास करेंगे तो डेफिनेटली खेलेंगे और डेफिनेटली हमारी टीम में ये जगह बनाएंगे अगर खेलते हैं तो। इसके बाद बेंच स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं इस टीम की, जो भी प्लेयर्स और अवेलेबल है, और इसके बाद हम डायरेक्टली बात करते हैं डेथ ओवर्स की। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अगर हम देखें अभी लाइनअप में, तो मुस्तफिजुर रहमान प्रॉपर डेथ गेंदबाज हैं, इनका साथ शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद दोनों दे सकते हैं। वहीं हम बात करें एलएसजी की टीम की, तो प्रॉपर डेथ बॉलर अभी यहां से आवेश खान चल रहे हैं, इनके साथ आपको मोस्ट प्रोबेबली जेसन होल्डर और टाई दिखेंगे डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए। हालांकि पिछले मैच में 4 ओवर में 2 ओवर टाई ने डाले थे, बट होल्डर और आवेश खान से मैं ज्यादा ओवर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं डेथ ओवर्स में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी फैन टू प्ले टीम की और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल की। सबसे पहले तो जो हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि फाइनल अपडेट टीमों का हम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर आपको मेरा ही कमेंट मिलेगा जो पिंड होगा, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करी है मेरे टेलीग्राम चैनल की, जो कि ऑथेंटिक चैनल है, बाकी चैनल बहुत सारे फेक भी होते हैं। आपको देखिए जब भी आप साइन अप करेंगे टेलीग्राम पे, जब भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो सब जब सर्च करें तब ये आप यूजर नेम को सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, बट बिल्कुल स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बट सबसे आपके लिए बेस्ट तरीका जो है ज्वाइन करने का वो यही है कि जो लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे वो बिल्कुल रियल चैनल पे ही जाएंगे, वरना सर्च में तो देखिए बहुत सारे फेक चैनल्स भी आ जाते हैं। अभी हमारे चैनल पे तकरीबन 55,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, इतने सब्सक्राइबर प्लस का वो चैनल है फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको फन अपडेट्स दी जाएंगी। और फैन टू प्ले पे अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा तो रेफर कोड FX लगा के रजिस्टर कर लीजिए, और सबसे आसान तरीका है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, उससे डाउनलोड कर लीजिए,
लीजिए और रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप कर लीजिए। अब इसका फायदा आपको क्या मिलेगा रेफर कोड एफएक्स लगाने का, सबसे पहले तो आपको बोनस फ्री एंट्री गिवअवेज मिलेंगे, साथ ही साथ आपके लिए एक स्पेशल कोड मैंने बनवाया है जो सिर्फ एफएक्स यूजर्स को दिखेगा, जो एफएक्स कोड से साइन अप करेंगे उन्हीं को दिखेगा, और उसके तहत अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आप आईफोन जीत सकते हैं और सैमसंग के फोन्स वगैरह और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अगर आप वो प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो आपको फैन टू प्ले पे एफएक्स कोड के साथ साइन अप करना है और डिपॉजिट करने उस रेंज में जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये मेरी टीम है, एक बार मेरी टीम देख लीजिए। मेरी टीम में मैंने कप्तान लोकेश राहुल को रखा है, ऋषभ पंत को लिया है, क्विंटन डिकॉक को लिया है। मेरी टीम में वाइस कप्तान मेरे डेविड वार्नर रहेंगे, एविन लेविस है, पृथ्वी शॉ है, ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल है, जेसन होल्डर है, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान और आविश खान को मैंने टीम में जगह दी है। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप अपनी टीम में चाहें तो पिक कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रू टाई और खलील अहमद, बट अगर आपको पिक करना है तो फिर उनको आप अक्षर पटेल की जगह पे पिक करिएगा। तो अक्षर पटेल की बॉलिंग थोड़ी सी एवरेज समझ में आ रही है सेकंड बॉलिंग के केस में, हालांकि अक्षर अच्छा कर सकते हैं। कप्तानी वाइज कप्तानी में कंफ्यूज हैं तो मेरे हिसाब से लोकेश राहुल के साथ ही जाइए, मैन इन फॉर्म है, इंडिया में हमेशा ही अच्छा करते हैं। वाइस कैप्टनसी डेविड वार्नर को दी है इनकी कंसिस्टेंसी की वजह से। बाकी आपके पास ऑप्शन में देखिए अच्छे प्लेयर्स में ऋषभ पंत भी हैं, क्विंटन डिकॉक भी है, इवन पृथ्वी शॉ भी अच्छा ही कर रहे हैं टी20s में। और अगर आप बॉलिंग में देखें तो जेसन होल्डर एक हमेशा आपके लिए ग्रैंड लीग पिक होंगे, किसी भी दिन 2 से 3 और 4 विकेटे तक ले जा सकते हैं और बैटिंग से भी स्कोर कर सकते हैं। और सेम शार्दुल ठाकुर का भी है, भले ही इतना उनका बॉलिंग फॉर्म पिछले 2 मैचेस से अच्छा नहीं चला हो, बट ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करके दे सकते हैं, तो किसी भी दिन ग्रैंड लीग में ये आपके लिए पंट पिक साबित हो सकते हैं। तो ये थी मेरी फैन टू प्ले की टीम, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। सबसे पहले तो साइन अप कर लीजिए फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे, उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए। और गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लिया तो पार्ट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी आपको मैंने जो कंडीशन से बता दी है। और इस वीडियो पे जिन्होंने भी 4 कमेंट सबसे पहले करे उनको 250 रुपए का पेटीएम कैश मुबारक हो। और अगली बार अगर आपको जीतना है तो 7:45 चाहे वो सुबह के हो चाहे वो शाम के हो, हमारे वीडियो 7:45 पर ही आएंगे। आपको 7:45 से थोड़ा सा पहले आके हमारे वीडियोस को सर्च करना है या फिर होम पेज पे आएंगे तो उस पर रिफ्रेश कर लीजिएगा, और जो भी सबसे पहले कमेंट करेंगे उनके लिए हमेशा प्राइजेस है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय।